एक मिनट, हाँ ले ले ले। आज ना हम सुबह अभी ड्यूटी के लिए जा रहे थे तो किसी से बस आगे जा रही थी जिसका नंबर है CL1BC31393। तो इस बस में पीछे आग लगी थी तो हमने पीछे से देखा तो हमने गाड़ी को आउटसाइड करके गाड़ी को रुकवाया और उनको बताया कि गाड़ी एक साइड रोक लो, इसमें आग लगी हुई है। फिर जो अटेंडेंट थे गाड़ी ने जो प्रेस्टिंग को निकाला और बाद फायर एक्सटिंग्विशर यूज करके नमस्कार भाई साहब, ये भाई हमारी गाड़ी में अचानक भाई आग लग गई थी और यहाँ धोले कुएं के पास ये भाई दो भाई पीछे से आने लग रहे थे। इन्हें हमारी बहुत हेल्प करी, इन्होंने ऑक्सीजन के सिलेंडर निकाल के लेके आए और अचानक हमारे को बताया, हमारे को तो पता भी नहीं था। तो ये एकदम अचानक इन्होंने कार रोकी और ऑक्सीजन के सिलेंडर उठा गए, इन्होंने हमारी बहुत मदद करी। भैया को हम शुक्रिया कहते हैं दिल से। नहीं नहीं भाई, हमारा फर्ज था दोस्त। और नहीं नहीं भाई, पब्लिक सवारी बैठी हुई थी गाड़ी के अंदर, इसीलिए हमने गाड़ी रोक के, क्योंकि हम तो खुद फायर फाइटिंग करते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि एक क्लिप देखी जिसमें हम बस के पीछे फायर एक्सटिंग्विशर यूज करके आग को बुझा रहे थे। ये जो इंसिडेंट था दिल्ली से गुड़गांव जा रहे थे उस समय हमने देखा था और उसको फायर एक्सटिंग्विशर यूज करके आग को बुझाया था। ये आग हो चुका लोग थी, लेकिन अगर उसमें हम उस फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करके आग को कंट्रोल नहीं करते तो 2 से 3 मिनट में ये एक्सीडेंट बहुत बड़ा नुकसान कर लेता और जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। लेकिन हमने उस समय चीज़ नोटिस की कि उस समय बस में 40 से 50 यात्री थे, अगर उनमें से कोई भी बंदा फायर सेफ्टी के बारे में जानकारी नहीं रखता था तो जिसे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था अगर हम शायद से नहीं जा रहे होते। तो मेरा ये मानना है कि ये तो एक बार एक्सीडेंट था, लेकिन इसी तरह हमारे घरों में भी बहुत तरह के झाड़ है, जैसे LPG सिलेंडर्स में आग लग जाती है, गैस लीकेज हो जाती है या इलेक्ट्रिसिटी के कारण आग लग जाती है, तो कोई अगर भूकंप भी आ जाता है तो उससे रिलेटेड जानकारी हम सबको होना चाहिए। अगर वो जानकारी हम नहीं रखते हैं तो उस दौरान जब हमारे घर में इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, जिससे हमारा परिवार भी खतरे में आ सकता है। मेरा ये मानना है कि हम सभी को फायर सेफ्टी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर यूज कैसे करना है, अगर LPG गैस लीकेज हो जाए तो वो क्या प्रिकॉशन लेना है, तो और उसकी अगर सिलेंडर्स में आग लग जाए तो क्या करना चाहिए, या LPG जब हम घर पे खाना बना रहे होते हैं तो कढ़ाई में आग लग जाती है, जिस बर्तन में खाना बना रहे होते हैं उसमें आग लग जाती है, हम उसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए। हम कई गलतियाँ करते हैं जिससे आप बुखारों में धार कर लेते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हम हर किसी को फायर सेफ्टी के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए ताकि जो खतरा है उसको कम किया जा सके और जो आग लगे उसको कंट्रोल किया जा सके। तो हर किसी को फायर सेफ्टी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई फायर सेफ्टी से रिलेटेड जानकारी आपको हो तो इस चैनल से जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप कमेंट करके बताइए कि भाई किस चीज़ के बारे में आपको जानना है ताकि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ और शेयर करूँ उसको किस तरीके से। आता